संहिताय नमः। ओम सत्यम शिवम सुंदरम जन्मोत्सव जेल में सम्मिलित समस्त अतिथि संतजन, ये अतका बड़े आयोजन के करिया आयोजक संतजन, जिनमें सबो सदस्यगण पदाधिकारीजन धर्म मंच की रचना में अपन श्रम के दान जेकर माध्यम से अतका बड़े मानस आयोजन तैयार करिया जम्मू दानी संतजन मानस मंचला सुचारू रूप से क्रमवार आगे बढ़ लिया। सम्मानीय हमर श्रीमान जी उद्घोषक महोदय जी धर्म मंच में परम आदरणीय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के आसक्ति में विराजमान सदमान जन्मोत्सव पावन मेला में श्री चंदन मानस परिवार ग्राम कचना जिला धमतरी के नाम माल लेकर मन के तरफ ले प्रसन्न हनुमान जी के सुंदर से चरित्र इस किंदा कांड से प्रकट होते और हनुमान जी महाराज सुग्रीव के बात लमान करके भगवान राम के परिचय करे वर्गे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। हनुमान जी जब दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं, आप विचार करके देखो हनुमान जी महाराज तीन बार ब्राह्मण के रूप धारण करी और तीन बार में सबसे पहली भगवान के सामने ब्राह्मण रूप धारण करी, दूसरा ब्राह्मण के रूप धारण करी विभीषण महाराज जी के सामने और तीसरा ब्राह्मण रूप के धारण करने वाला भरत भैया जी के पास। तीन बार हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करी। आप विचार करो हनुमान जी एक वानर है और वानर के रूप धारण करना मतलब नकल धारण करना और नकल रूप धारण करके असल के जानकारी करना, ये सबसे बड़े महत्व के बात ही प्रसन्न। भगवान राम के पास में गीस कब जब सुग्रीव महाराज ऋषिमुख पर्वत में बैठे बैठे डर्रात रहा और डर्रात एक तरफ सबरी मैया से जानकारी ले के बाद में सुग्रीव महाराज से मिले खातिर पर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों तपस्वी रूप में जटा बंधा है, वलकल वस्त्र पहने हैं, साथ ही साथ धनुष है, बाण है, तीर है और येला लेके जब चली तो सुग्रीव महाराज डर्राए और डर्राए के बाद ओकर मन में एक भाव जागृत हुई, मोला बाली भैया यहाँ मरवाए पर ये दोनों झलक नहीं भेजे हो ही, अपन अपन प्राण के हर कोई लड़ रहे। एक से सुग्रीव महाराज कहते हनुमान जी ये कोने तेल पता लगाओ आप जा कर के देखो। हनुमान जी महाराज कहते आप ला अबका डर है और मारने वाला भी भगवान है और जन्म देने वाला भी भगवान है, ये संसार में जो जन्म लेके आए वाला एक न एक दिन मरे लागी फिर भी आप ला डर है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुग्रीव महाराज जी के साथ में कौन है, ओकर गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज भगवान शंकर जी के अवतार और जेन अपन गुरु के शरण में चले जाए तो गुरु की कृपा भाव ही होते। कबीरदास जी घलो कहते गुरु गोविंद दो अड़े
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और संत के प्राप्ति कब होते, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य के उदय होते तो संत के प्राप्ति होते। और दूसरा बात लिखते, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा होते तब संत मिलते। और संत के रूप में हनुमान जी आज सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण के सामने जा करके भाव रखी। आप विचार करके देखो, दोनों हाथ जोड़े हैं और हनुमान जी महाराज गाय करते, राम भगवान श्री रामचंद्र जी ला जग कारण तारण भव भंजन जन भंजन धरनी भार। आप ये संसार के निर्माण करने वालों का या ये संसार में जबका जीव आए वो लग तारने वालों का, ये संसार के बनाने वाला, ये संसार में जबका जीव निवास करते वो लग तारने वाला। और या ये संसार में ये धरती में अधर्म बढ़े है, अधर्म ल दूर करके खातिर आप यहाँ आओ का, कैसे आओ? आप ये लोग के मालिक नहीं लगत हो, आप अखिल लोग कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप ये अखिल ब्रह्मांड के पति, आप मनुष्य के रूप में अवतार लेके आओ का। अब दाई हो भैया हो, मोर एक ही विचार है, मनुष्य के अवतार होते का होते दाई हो, एक आधन अवतारी हवे हवे नहीं ये इसे कहें। इच बात बाबा तुलसीदास जी बालकांड में गलोक लिखे है, भगवान शंकर जी के मुखारविंद से, विप्रधेन सुरसंत हितः लीन मनुज अवतार। वहां भगवान शंकर जी बोले हैं और यहां हनुमान जी महाराज जी बोलत है। अब बात ही में चर्चा करना है, वही हनुमान जी के शरण में आज जावन, जेकर जन्म उत्सव आज मनावत हन। आओ हिला बर्थडे का वो तो बहुत बढ़िया है, हनुमान जी के बर्थडे है नी, मनाहो नहीं दाई केक धर के आप। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। तो एक बार बर्थडे के नाम से जोरदार ताली नहीं बजा रहे हैं। अब जानिस मोर बर्थडे में सब कुछ हम शामिल है, इसे की कहे नहीं। लाल देह लाली लसे विचार कर भैया, रामचरितमानस के मूल उद्देश्य भगवान राम तो पुरुष बने हैं, वोकर पत्नी सीता मैया जेकर हरण हो गए हैं रावण जी के माध्यम से, और जेला खोजत है। आज के जमाने में यदि रामचरितमानस के प्रसंग हम पढ़ें तब एक बाई नहीं है, मुश्किल से एक महीना बीती, एक महीने के बाद दूसरी बाई खोज कैसे आई सही है क्यों हवेत नहीं है वो। रामचरितमानस एक दर्पण है, यदि आप चरित्र चेहरा देखना है ना तो दर्पण देखे लागते कांच के दर्पण। अब कांच के दर्पण में अपन चेहरा नजर आते, लेकिन ये रामचरितमानस का है यहू दर्पण हरे। लेकिन ये दर्पण ले एक बार देख लेवे, ये मानस दर्पण हरे, तो अपन चरित्र नजर आते। पहली ये कांच के दर्पण में चित्र नजर आते और रामचरितमानस में चरित्र नजर आते। ये दर्पण शरीर के विकृति ल बतलाते, और ये दर्पण जो है चरित्र के विकृति ल बतलाते। अब रामचरितमानस में यहाँ से ज्ञान के शुरू हुए प्रसंग में, प्रसंग में भगवान राम सीता मैया लग हो जाते हैं। अब कहा यह बाबा तुलसीदास जी कहते, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी देखे तुम सीता ही मृग नैनी। आप ये जंगल में पेड़ पौधा ल पूछ के पूछते कि भैया मोर पत्नी देखे हो का। आज के जमाना में पत्नी के अब का आदर सम्मान,
आदर सम्मान तो भगवान राम ही कर सकते, क्या वो अवतारी पुरुष हरे, प्रकट होने वाला पुरुष हरे, है ना। एक बाबा तुलसीदास जी लिखी सीता मैया ल पूछा थे, अब ओकर बाद बाबा तुलसीदास जी लिखते वहाँ एक जन पुरुष मतलब सुग्रीव महाराज जी है जेकर पत्नी घलोक नहीं है। पीला बत्ती के संकेत मिल गए, खैर मैं जानत मिले हूँ बोला भी संकेत मिली से आहो खैर क्षमा करू क्या पर ये तरफ के शोरगुल में आवाज में ध्यान केंद्रित मिली से। तो ये प्रसंग के मुख्य भाव आप मान लो एक मिनट में ले चलो मैं प्रयास करूँ। कथे बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करी जेला अपन जीवन सुधारना है तो ये प्रसंग ल देखे और हनुमान जी गुरु महाराज और गुरु महाराज के शरण में चल दे तो गुरु महाराज जी के शरण में जैसे जैसे सुग्रीव महाराज ल भगवान राम के प्राप्ति हुई ऐसे ही आप हम भी मानवन हमू ला अपन जीवन में गुरु बनाना चाहिए और गुरु के माध्यम से अपन जीवन उद्धार करना चाहिए। गुरु यदि सही है तो भगवान से मिला देते और गुरु यदि गलती है और गुरु जी का ठिकाना नहीं है तो हमर मन के उद्धार लगता हाँ कर सकते। एक ऋषि जी कहते गर्मी में जल के शहर में नल के ऑफिस में कलर करके जरूरत होते जाड़ में कोर्ट के चुनाव में वोट के कचहरी अदालत में नोट के जरूरत पड़ते है। इसे कहते घर बनावे तो छाने के जरूरत है, घर बनावे तो छाने के जरूरत है, फुलवारी में माली के जरूरत है और हमर सुहागन दाई के मांग में लाली के जरूरत है। अरे डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी अजब प्राणी है दोस्तों, कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है। खुशी के चमन में